हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंपिटस अकेडमी। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स को प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अपने फाइंड द ईयर में आगे, क्योंकि ये जो एक ऐसा पोर्शन है जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का। हर एग्ज़ाम में हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में जो है 3 से 4 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको दिए गए हैं ईरर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो ये लेसन्स हैं आप लोग इसे कंप्लीट देखा करें। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम जो है आपको और अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, इसके 2 लेसन्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग जो है अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे भी आप लोग कंप्लीट देखें और उन दोनों लेसन्स को भी देख लें। ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट जो है हमारा द इंपिटस एकेडमी पे, वहाँ पर प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, वहाँ पे आप जाकर इसे देख सकते हैं, वहाँ पर समझ सकते हैं। कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आगे। इसके पहले जो है हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे जो हैं लगभग 33 क्वेश्चंस ऑलरेडी जो सॉल्व कर चुके हैं सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में, जो भी हमारे ईरर फाइंड करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो और आप अगर आपका जो है एंटोसाइनो में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम क्या किए हैं कि एंटो सिनोनिम्स के भी जो लगभग एसएससी के हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं सिनोनिम्स के रूप में। ठीक है, जितने भी सिनोनिम्स आए हुए हैं सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के एग्जाम एसएससी का जितना भी है, जितने सिनोनिम्स हैं उनका हम एक बार कंपाइल करके उसका भी लेसन बनाया है। ठीक है, तो एक लेसन जो है आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी कंप्लीट देख लें, क्योंकि हर एक वर्ड आपके लिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में उनका हर एक वर्ड का हिंदी दिया गया है, तो आप हर एक वर्ड को याद कर लें, उनका हिंदी समझ लें। ठीक है, अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है द इंपिटस अकेडमी, आप उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको उसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कंडीशन है, मतलब अगर हम इसमें मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ बस इसीलिए कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है और अच्छा जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो मेरा जो मेहनत है उस पर हम ये चाहते हैं कि कम से कम उस पर 50 लाइक आ जाएं। आप लोग इसलिए शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि और लोग जो हैं उसे देखें समझें हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऑलरेडी जो है वहाँ पे द हिंदू का वर्ड मीनिंग आपको अवेलेबल है। डेली हम लोग सीख रहे हैं, लगभग 1000 वर्ड मीनिंग्स वहाँ पर भी होने वाले हैं। ओके, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन करें। जीएस के मिसलेनियस क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में दिए जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग करें जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे थे फाइंड द ईरर। देखिए हम लोग जो है फाइंड द ईरर 2 लेसन्स इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो चलिए आज हम लोग आके करते हैं इसका सॉल्यूशन। कल हम लोग कर चुके थे यहाँ तक, ठीक है, आज हम लोग को करना है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्या है क्वेश्चन। देखिए ये है आपका 7/6/2019 को एग्जाम हुआ था सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सी फॉरगेट लॉक द डोर व्हेन सी वेंट आउट इन अ हरी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ईरर स्पॉट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर हमारा माइंड तुरंत स्पार्क कर जाता है तो हम तुरंत अपने ईरर को स्पॉट कर लेते हैं, नहीं तो फिर अपने सेंटेंस को पढ़कर उसे ध्यान से समझते हैं कि कहाँ पे ईरर होना चाहिए। तो देखिए एग्जामिनर क्या किया है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, इन्हीं को 4 ऑप्शन में से एक कोई आपका एलिमेंट एक जो है आपका कोई ईरर है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ईरर है, ये आपको पकड़ना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस में जब आपका वेन से जुड़ा हुआ हो सेंटेंस, ठीक है, जब यहाँ पर देखिए अगर 2 सेंटेंस है, ठीक है, वेन से जुड़ा हुआ है, तो जो पहले वाला सेंटेंस है आपका वो आपका V3 मतलब कि परफेक्ट टेंस के फॉर्म में आप रखिए इसको। ठीक है, ये एक प्रकार का ट्रिक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को हम हमेशा सोल्व किए हैं खुद से पर्सनली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमेशा जो पहला पार्ट इसका होता है वो हमेशा V3 मतलब कि परफेक्ट टेंस के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के या पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, मतलब कि परफेक्ट टेंस के फॉर्म में होगा, चाहे वो पास्ट हो फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो फॉरगेट है ये हमारा जो है ये V2 फॉर्म में है, मींस कि ये सेंटेंस हमारा पूरा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ये भी जो पार्ट है ये भी
पास्ट में ही है। यहाँ पर भी देखिए पास्ट में हम लोग इसे कैसे पहचाने कि ये पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे वी टू यूज हुआ है। देखिए फॉरगेट है, यहाँ पर भी वेंट आउट है, गो वेंट गोन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगेटेन, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस कम्प्लीटली किस में है, फ्यूचर टेंस में है, इट मीन्स सॉरी पास्ट टेंस में है। इट मीन्स कि हमें क्या यूज करना होगा पहले पार्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अगर ये सेंटेंस आपका कंप्लीट प्रेजेंट में होता तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस आपका कंप्लीट जो है दोनों पार्ट इसका पास्ट में है, तो इसलिए हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो जो हमारा इरर है, हमें जो है ऑप्शन डी हमें मिल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला पार्ट हम लोग क्या सीखे हैं अभी कि हमेशा परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और ये पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री। अगर आपको टेंस में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो जो हमारा प्लेलिस्ट है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा चीज़ है, ठीक है। ये जो हमारे एसएससी एस्पायरेंट्स हैं, सीरियस एसएससी एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए ये अकेडमी पूरी तरीके से मतलब कि डिवोटेड है। तो आप लोग प्लीज़ एकदम, ये जो चैनल आपके लिए है ट्रस्ट वर्थी है, आप लोग जो है हमेशा बस हमारे साथ बने रहें, अपने लेसन्स को शेयर करते रहें ताकि और लोग जो है इसे देखें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि वो लोग भी जो है सीखें हमारे साथ बहुत कुछ। तो देखिए अगर आपको टेंस आपका कंप्लीट है तो आपको पता होगा कि पास्ट परफेक्ट में जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री यूज होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, सी हैड फॉरगेट का भी थ्री फॉरगेटेन, तो सी हैड फॉरगेटेन लॉक द डोर व्हेन सी वेंट आउट इन अ हरी, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा गलत है, इसे क्या करना होगा, सी हैड फॉरगेटेन लॉक द डोर व्हेन सी वेंट आउट इन अ हरी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे, जब यहाँ पर सेंटेंस आपका वेन से जुड़ा हुआ हो तो हम अपने पहले पार्ट को परफेक्ट टेंस में रखते हैं, ठीक है। अगर आपका पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो उसे पास्ट परफेक्ट बना दीजिए, अगर आपका पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बना दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि ये जो है फॉरगेट और वेंट आउट, ये हमारा पास्ट में दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, इसलिए हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दिए। तो सी हैड फॉरगेटन लॉक द डोर व्हेन सी आउट इन अ हरी, और ये जो आपका लास्ट वाला जो पार्ट है इसे आप ज्यों करते हो वैसे ही उतार दीजिएगा, ठीक है। तो व्हेन सी हैड फॉरगेटन लॉक द डोर सी वेंट आउट फॉर अ इन अ हरी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, लोधी कॉलोनी इज इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। अगर आप लोग कल का लेसन अगर आप लोग अच्छे से देखे हैं, उसका रिवीजन किए हैं, तो आप तुरंत इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लोधी कॉलोनी के बारे में बात किया गया है, लोधी कॉलोनी। चलिए हम पहले अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि एग्जामिनर हमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, इज़ वेरी डिफरेंट डैट इज़ क्राउडेड एंड नॉइजी इन द सिटी फ्रॉम अदर प्लेसेस, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपको कोई एक गलत पकड़ना है कि आप यही चारों कोई ऑप्शंस में से आपका कोई गलत है, ठीक है। तो लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डैट का यूज हुआ है और लोधी कॉलोनी के बारे में कहा गया है। हम लोग कल क्या पढ़े थे कि जो डैट का यूज होता है वो हमेशा सजीव चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, सजीव वस्तु के लिए, ठीक है। जबकि लोधी कॉलोनी मतलब एक जगह का नाम है, मीन्स कि वो निर्जीव चीज है, ठीक है, वो क्या है, निर्जीव चीज है। तो निर्जीव चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। तो हमारा जो राइट क्या है, हमें टिक क्या करना होगा, ऑप्शन बी जो है टिक करना होगा, और यहाँ पर डैट को रिमूव करना होगा किससे, विच से, ठीक है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि किससे रिप्लेस करना है, आपको एग्जामिनर ये पूछेगा कि कौन सा आपका यहाँ पे इरर है, तो हम अपना ऑप्शन बी जो है उसे डैट जो है उसे हम लोग यहाँ पे लगा देंगे इरर, क्योंकि डैट का यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा विच का, किसका, विच का, क्योंकि विच का यूज होता है निर्जीव के लिए, डैट का यूज होता है सजीव के लिए, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे इरर है। चलिए आगे देखते हैं, ईच डांसर परफॉर्मड वेरी वेल डैट इट वाज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वाज। देखिए यहाँ पे वेरी वेल मतलब होता है बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब पहले हम लोग इसके समझते हैं कि जो वेरी वेल डैट है यही हमारा इरर है, एग्जामिनर आपको अंडरलाइन करके दिया है कि ये पार्ट आपका इरर है, हमें इसे ही सही करना है, ठीक है, हमें इसे ही सही करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग सही करते हैं। चलिए आइए,
देखिए, ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल, दैट वाज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वाज। इस पार्ट को हमें पकड़ना है इरर। तो देखिए अभी हम लोग क्या सीखें कि वेरी वेल मतलब होता है बहुत अच्छा, वेरी वेल मतलब होता है बहुत अच्छा। ईच डांसर परफॉर्म्ड बहुत अच्छा मतलब कि बहुत अच्छे परफॉर्म किया हर डांसर ने। दैट इट वाज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वाज। और अगर हम लोग यहाँ पर वेरी के जगह सो यूज करते हैं, सो मतलब इतना अच्छा, सो वेल मतलब होता है इतना अच्छा, ठीक है। अब हम दोनों ही सेंटेंस को अब बारी बारी से पढ़ते हैं। ईच डांसर परफॉर्म्ड सो वेल, ठीक है, इतना अच्छा हर परफॉर्मर, हर डांसर ने परफॉर्म किया कि इट वॉज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वॉज। तो आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है, सो वेल या फिर वेरी वेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन ए को अपना राइट आंसर करेंगे, क्योंकि सो वेल मतलब होता है इतना अच्छा, हर डांसर ने इतना अच्छा डांस किया कि आप जो हैं डिफिकल्ट हो गया आपके लिए कि कौन इनमें से बेस्ट डांसर है ये जज करने में, ठीक है। तो इतना अच्छा मतलब कि सो वेल। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। चलिए आइए देखते हैं आगे। द दून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स, ठीक है, लुक ब्यूटिफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। यहाँ पर देखिए द डून वैली हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, द डून वैली जो है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, ये द डून वैली ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका जो वर्ब है ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, मतलब कि वी वन फॉर्म में है। हम लोग क्या टेंस में सीखे हैं कि जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा हमारा वी फाइव फॉर्म में आता है, मतलब कि एस या ई एस लगकर वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये लुक है, यहाँ पे लुक का क्या हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा। तो इरर हमारा देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया, कि ऑप्शन ए हमारा इरर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, और जब सिंगुलर प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में हम लोग क्या पढ़े हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम उसे एस या ई एस लगाकर उसे बनाते हैं, ठीक है। तो लुक की जगह क्या हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा। द वैल द डून वैली विथ ऑल इट्स लाइट लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो ऑप्शन ए हमारा इरर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप पे आप टिक कर सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल सेकंड शिफ्ट 7/6/2019 को इसका एग्जाम हुआ था। चलिए और आगे देखते हैं। द जापानीज आर्टिस्ट यो नगाओ वाज बिजी स्प्लैशिंग द वॉल्स फ्रॉम कलर्स। देखिए स्पाइल्स मतलब होता है भरना, ठीक है, स्पाल्स मतलब क्या होता है, भरना। ये भी एसएससी सीजीएल का है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। हर एग्जाम में आप देख रहे हैं कि इरर पकड़ने के लिए, इरर स्पॉट करने के लिए दो तीन से चार क्वेश्चंस एटलीस्ट आ रहे हैं, ठीक है। पहले हम चार क्वेश्चंस आए हैं, फिर तीन क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो ये इसलिए इरर स्पॉट करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके चार क्वेश्चन आते हैं तो 8 मार्क्स आपके लिए वो लेकर आ रहा है 50 में से, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग जो है अच्छे से इसे सीख लें, समझ लें, हर लेसन को कंप्लीट देखें। तो देखिए यहाँ पे हमें स्पॉट करना है इरर को। द जापानीज आर्टिस्ट यो नगाओ वाज बिजी स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स। स्प्लैश मतलब होता है भरना। अगर आप किसी चीज़ को भर रहे हैं तो किसी चीज़ के साथ भरेंगे या किसी चीज़ में से भरेंगे, ठीक है। फ्रॉम मतलब किसी से आप लेते हैं, जैसे फ्रॉम मी या फ्रॉम ये, ठीक है, किसी से चीज, किसी में से आप भर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप किसी चीज को भर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है, आप रंगों के साथ अपने दीवार को जो है रंग रहे हैं, भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा फ्रॉम की जगह क्या यूज होगा, विथ यूज होगा, ठीक है, मतलब कि रंगों के साथ जो है वो बिजी था दीवारों को रंगने में, ठीक है। तो स्प्लैश द वॉल विथ कलर्स, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा इरर है। फ्रॉम को हम रिमूव करेंगे और फ्रॉम के जगह यूज करेंगे विथ, ठीक है। तो आप जो है आपको सेंटेंस को सबसे पहले बढ़िया से पढ़ना होगा और उसे समझना होगा कि आखिर ये सेंटेंस कहना क्या जा रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको हर एक चीज़ को सही से समझना होगा। जैसे अभी हम लोग प्रीपोजिशंस के लेसन को यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका खेलता है, ठीक है, फ्रॉम विथ ये सब प्रीपोजिशंस के हैं पार्ट। तो हम लोग प्रीपोजिशंस के दो लेसन ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी आगे सीख रहे हैं, ठीक है। तो पिछले जो प्रीपोजिशंस के दो लेसन हुए हैं उन्हें आप लोग कंप्लीट देखें, क्योंकि वहाँ पर अभी आपको ऑन, एट, इन और किसका बताया गया है, ऑफ, इन जो इन 5-6 प्रीपोजिशन जो हैं अभी आपको बताए जा चुके हैं कि कौन कौन से प्रीपोजिशन आपके कहाँ पर यूज होते हैं। तो उनका लेसन आप लोग कंप्लीट देख लें, ठीक है। और वॉइस
कभी दो लेसन जो है लगभग 33-34 मिनट का, दो लेसन वो उन्हें आप कंप्लीट देख लें। तो इससे सीजीएल में मेंस में आपको जो 20 क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल मेंस में वॉइस के, वो आपके कभी नहीं छूटेंगे, ठीक है। और पीटी में भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं वॉइस के, तो अगर 2 क्वेश्चंस भी आते हैं तो 2 × 2 यानी कि 4 मार्क्स आपको वॉइस में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वो वॉइस के 2 लेसन्स भी कंप्लीट देख लें। तो यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन का खेल था, तो देखिए फ्रॉम को रिमूव कर दिए हम ऑप्शन डी में, और फ्रॉम की जगह आपका यूज होगा विथ, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आप लोग प्रीपोजिशन के लेसन को देख लें, उन्हें वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे विथ का यूज क्यों हुआ। चलिए आगे देखते हैं। हिज स्कूल वॉज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस, उसका जो घर था वो स्कूल से 7 किलोमीटर दूर था। आई वॉन्डर्ड हाउ ही कवर सो लॉन्ग डिस्टेंस डेली ऑन फुट। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे फुट के साथ हमेशा ऑन यूज होता है, मतलब कि पैदल, ठीक है। ऑन फुट यानी कि पैदल। एग्जामिनर जो है आपको ऑप्शंस में यहाँ पे बाई कर देगा, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस में बाई फुट दे देगा, ठीक है। तो वो आपका गलत है, आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि ऑन फुट यूज होता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखें ऑन फुट होता है ना कि बाई फुट। बाई फुट आपको जहाँ पर दिखे वहाँ पे आप तुरंत उसे इरर कर दें, ऑन फुट आपका सही है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इरर पकड़ लेते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में हमें तो एक एक्स्ट्रा फायदा हमें मिल गया, ठीक है, सेंटेंस में ही हमेशा ऑन फुट यूज होता है। चलिए इसमें इरर कहाँ पकड़ना है, ये जो आपका हाईलाइटेड है अंडरलाइंड पार्ट है वही आपका इरर है, उससे हमें सही करना है। अगर गलत है तो सही करना है, नहीं तो आपको इसे छोड़ देना है। चलिए देखते हैं कवर्ड। देखिए कल हम लोग पढ़े थे सो और सच का मतलब, ठीक है। सो और सच का मतलब अगर हम लोग पढ़े हैं कल, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन बी पर टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको कल का लेक्चर आप अच्छे से देख चुके हैं और सच का यूज आप सही से समझ गए हैं, तो आप जो है ऑप्शन बी को तुरंत टिक करेंगे यहाँ पर, और 2 मार्क्स लेंगे अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए सच मतलब होता है ऐसा, इतना, ठीक है। तो देखिए हिज स्कूल वॉज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस, उसका उसका जो घर है 7 किलोमीटर दूर है घर स्कूल से। आई वॉन्डर्ड मतलब कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि हाउ ही कवर्ड इतना लंबा डिस्टेंस, ठीक है, इतना लंबा जो दूरी है वो बाई फुट यानी कि पैदल चलकर जो है उसने कवर किया। तो ठीक है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सो की जगह क्या होगा, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि एक लंबी दूरी, इतनी लंबी दूरी को उसने कैसे पैदल जो है वो कवर किया, ठीक है। तो सो और सच का यूज कल हम लोग पढ़े हैं इरर डिटेक्शन में ही, के लेसन में ही, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कंप्लीट देखें उसे समझें, फिर भी ना समझ में आए कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस नॉट निगलेक्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हमें जो है इम्पॉर्टेंट मतलब कि महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं हमारे जीवन के उन्हें कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एल्थ यू परस्यू मोमेंटरी प्लेजर्स, मोमेंटरी मतलब होता है क्षणिक, ये आपके लिए सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में आ सकता है, ठीक है। तो मोमेंटरी मतलब होता है क्षणिक, आप लोग याद कर लें। तो एल्थ यू परस्यू मतलब कि पीछा करते समय जो है, पीछा जो अपने क्षणिक क्षणिक जो आपका प्लेजर्स है यानी कि आनंद है, ठीक है, क्षणिक जो आपके आनंद होते हैं उनका पीछा करने के लिए आपको जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों को जो है नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। सारे चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि लाइफ में जो है कभी कभी कुछ ऐसे पाथ्स जो आपके होते हैं जो आपको न चाहते हुए भी नेग्लेक्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है नेग्लेक्ट ना करें कोई भी चीज़, क्योंकि हर चीज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है यहाँ पर जो हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए ऑल दी, देखिए यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं ऑल दी परस्यू मोमेंटरी प्लेजर्स, यही आपके जो है रॉन्ग मतलब कि यहाँ पर आपका है जो आपका अंडरलाइंड है इसे ही हमें सही करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए वाइल का यहाँ पे यूज हुआ है, ऑल दो को हटाकर यहाँ पर जो है वाइल का यूज हुआ है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वाइल परस्यूइंग मोमेंटरी प्लेजर्स, ठीक है। देखिए अब क्यों यहाँ पे यूज हुआ है वाइल का, लेट अस नॉट निगलेक्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। परस्यू मतलब कि पीछा करना, मोमेंटरी यानी कि क्षणिक, प्लेजर्स मतलब कि आनंद, आपको अपने क्षणिक आनंद का पीछा करने के दौरान जो है अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो के दौरान जब हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो के दौरान का मतलब होता है वाइल, ठीक है। के दौरान के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। तो आपको अपना जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको यहाँ पर लगाना होगा, समझना होगा कि आखिर ये सेंटेंस
क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, तब आप और अच्छे से, सॉरी, तो आप और अच्छे से अपने ग्रामेटिकल जो ईरर है आप उसे और अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो लेट अस नॉट नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वाइल परस्यूइंग मोमेंटरी प्लेजर्स। यहाँ पर देखिए वाइल के बाद जो है हमेशा आपका वर्ब जो है, ये भी आप लोग ध्यान में रखें कि वाइल के बाद, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि वाइल के बाद जो भी आपका वर्ब आएगा वो आपका वी फोर फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। वाइल के बाद जो भी आपका वर्ब आएगा वो हमेशा आपका वी फोर फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो वाइल परस्यूइंग मोमेंटरी प्लेजर्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर था। चलिए आगे देखते हैं, ईच ऑफ द गर्ल्स, ये आप लोग ईजिली बता सकते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, हमारे लेसन्स को देख रहे हैं, जो खास करके बाबा ज्ञान का जो हमारा लेसन चला है, लगभग हम लोग वहाँ पे 40 बाबा ज्ञान यानी कि जो आपका ग्रामर रूल होता है हम लोग अभी सीख चुके हैं और सीखेंगे, ठीक है। तो जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो अच्छे एसएससी एस्पायरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, वो आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे कि ईच ऑफ एवरी, इनके बाद जो आपका वर्ब आता है, ठीक है, इनके बाद जो आपका वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ईच एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा वो अपना प्लूरल फॉर्म में होगा और जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हैव यूज किया गया है जो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हमें इसे गलत करना होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हैव को रिप्लेस किससे करेंगे, हैज से। क्यों? क्योंकि हम लोग एक रूल पढ़े थे बाबा ज्ञान में कि ईच ऑफ के बाद जो आपका नाउन आएगा वो आपका प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है, ये नाउन जो आपका प्लूरल फॉर्म में होगा और जो आपका वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखिए ईच ऑफ द जो आपका नाउन है यहाँ पे हमारा प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, कोई रेयर नहीं है, लेकिन जो हमारा वर्ब है ये भी हमारा प्लूरल फॉर्म में है, जबकि हम क्या सीखे हैं कि वर्ब हमें हमारा यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही गलत हो जाएगा। हैव को हमें किससे रिप्लेस करना होगा, हैज से, ठीक है। तो ऑप्शन बी पे आप राइट क्लिक करिए। क्यों? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप जानते हैं, उसे बता सकते हैं अच्छे से कि ईच ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और वर्ब जो होता है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम हैव के जगह हैज का यूज करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, वी मस्ट इंडिवियर टू इंक्रीज वुमेन्स असेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे असेस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज करिए, ठीक है, ये हम लोग प्रीपोजिशन के लेसन्स में पढ़ चुके हैं, जितने भी प्रीपोजिशन के लेसन हो चुके हैं वो प्लीज़ जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अगर आप लोग जानते हैं तो और अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो अच्छा है। तो देखिए असेस के बाद हमेशा यूज होता है प्रीपोजिशन किसका, टू का, तो असेस के बाद टू का जो यूज होता है, तो देखिए हमारा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे असेस है। तो देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में क्या अंतर है, यहाँ पर एंड का अंतर है, यहाँ पे और का अंतर है, बस यही अंतर है ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी प्रीपोजिशन हमारा सही यूज हुआ है, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन सही यूज हुआ है। तो देखिए वी मस्ट इंडिवियर मतलब कि प्रयत्न करना, ये हमारा वर्ड हो गया इंडिवियर, इन डेवियर मतलब होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना, क्या होता है प्रयत्न करना या फिर कोशिश करना। वी मस्ट इंडिवियर टू इंक्रीज वुमेन्स असेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर देखिए ऑल्सो नहीं होगा, यहाँ पर दो चीज़ों को जोड़ा गया है, दो अलग सेपरेट चीज़ें हैं, एजुकेशन यानी कि शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार, शिक्षा और रोजगार यहाँ पर देखिए दो अलग अलग चीज़ों के बारे में दिया गया है, इसीलिए जो है यहाँ पे ऑल्सो नहीं होगा, यहाँ पे एंड यूज होगा, क्योंकि दो चीज़ों को यहाँ पर आपको जोड़ना है, तो जब जोड़ना यूज होता है, जोड़ने के लिए यूज होता है, तो आपको यूज क्या क्या आ जाता है एंड का, ठीक है। तो यहाँ ऑल्सो की जगह क्या यूज होगा, एंड यूज होगा, और असेस के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज होता है, टू, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वी मस्ट इंडिवियर टू इंक्रीज वुमेन्स असेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये जो अभी क्वेश्चन जो अभी हम लोग देखें, ये हमारा जो है सी जी एल का अभी तक क्वेश्चन था, हम लोग यहाँ से सोल्व करते आ रहे हैं, कहाँ गया, ठीक है, 34, यहाँ क्वेश्चन 34 से जो अभी हम लोग सोल्व किए हैं, 34 to 42, ये हमारा जो है एस एस सी सी जी एल 7/6/2019 के थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है ये हम लोग सोल्व कर चुके हैं, और भी हम लोग आगे करेंगे आगे के लेसन्स में,
अभी हम लोग फिर अभी देखते हैं सीएचएसएल के क्वेश्चंस, क्योंकि सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम जो है साथ में ही है मार्च में, सीजीएल के बाद ही, तो इसलिए दोनों सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चन जो है हम लोग सोल्व करते आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग जो है सीएचएसएल का क्वेश्चन जो है देखिए कल सोल्व किए थे, परसों भी सोल्व किए थे, तो सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे साथ साथ में सोल्यूशन कर रहे हैं, ताकि सभी लोग जो है यहाँ पे जुड़ें हमारे साथ, सीखें समझें। तो चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या है आगे। देखिए द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सीट अप अ लॉन्ग लेक्चर। देखिए यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, तो सीट अप यहाँ पे गलत यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि सीट अप मतलब होता है कहीं पर बैठना, ठीक है, कहीं पर बैठना, जबकि सीट आप लॉन्ग लेक्चर्स को सुन रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग लेक्चर को अगर आप अटेंड करने जा रहे हैं तो उतना आप में कैपेबिलिटी भी होना चाहिए कि आप 1 घंटे 2 घंटे बैठ कर जो है आप किसी लेक्चर को सुन सकें, ठीक है। तो यहाँ पे सीट अप मतलब होता है सिर्फ बैठना, लेकिन सीट थ्रू मतलब होता है एक लंबे समय तक किसी चीज को देखना समझना, ठीक है। तो सीट थ्रू जैसे अभी हम लोग देखते हैं एक लंबे समय तक जो है लगभग 50 मिनट 55 मिनट जो है हमारा लेसन होता है वो आप लोग अच्छे से देखते होंगे, आई होप लेसन को कंप्लीट देखते होंगे, तो उसमें लगभग आपको 1 घंटा लग जाता होगा। तो वो हो गया कि आप एक लंबे समय तक लेक्चर्स को देखते हैं, लेसन्स को देखते हैं, उन्हें समझते हैं। तो जब लंबे समय के लिए आप कहीं पर बैठते हैं देखने के लिए समझने के लिए, तो वहाँ पर आपको यूज करना होता है सीट थ्रू का। किसका? सीट थ्रू का। ये हमारा फ्रेजल वर्ब हो गया, तो आप इसे याद कर लें। द चिल्ड्रेन आर टू यंग टू सीट थ्रू अ लॉन्ग लेक्चर, मतलब कि एक लंबे समय तक बैठे एक लॉन्ग लेक्चर को देखने के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं। आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवल इन द रश आवर। देखिए ट्रैवल के साथ हमेशा जो है सॉरी आई ट्राई टू अवॉइड, अच्छा ये नहीं, हम लोग जो है जिरंज पढ़े हैं, ठीक है, 2-3 दिन पहले बाबा ज्ञान में। बाबा ज्ञान के अगर आप लोग नहीं देखे हैं लेसन्स तो प्लीज़ देख लें, हमारा प्लेलिस्ट है सारा वहाँ पे एकदम अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जिरंड के बाद जो भर्ब आता है हमेशा बिफोर फॉर्म में आता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब दो भर्ब साथ में यूज हुए हैं, ठीक है, तो जो आपका अंडरलाइंड पार्ट है ये आपका इरर है, ठीक है। तो जो पहला जो आपका भर्ब है वो आपका V1 फॉर्म में है, और उसके बाद जो आपका भर्ब आएगा वो हमेशा V4 फॉर्म में आएगा, ठीक है, ये आपका जिरंज का रूल होता है। तो देखिए आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग, क्यों? क्योंकि ये जिरंज के फॉर्म में आ जाएगा ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर दो भर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। तो पहला भर्ब जो है आपका अपने V1 फॉर्म में ही होगा, और दूसरा जो भर्ब होगा वो आपका V4 फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग, और इन इन यहाँ पर लगाइए रस आर, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रस आर, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे जिरंड मतलब कि इसके साथ जिरंड में हमेशा दो वर्ब यूज होंगे, और जब दो वर्ब यूज होंगे तो पहला वर्ब जो है वो अपने V1 फॉर्म में होगा, और जो दूसरा वर्ब होगा वो हमेशा V4 फॉर्म में होगा, यानी कि V4 यानी कि उसमें ING लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। द कांस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल, ठीक है। यहाँ पर देखिए द कांस फिल्म फेस्टिवल, ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर देखिए आपका जो अट्रैक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े हैं कि वहाँ पर V5 में S या ES लगाकर हम उसे बनाते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपका जो है नहीं लगा हुआ है, सिर्फ अट्रैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अट्रैक्ट की जगह हमको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी आपको आपका जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, ठीक है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसमें एस या ईएस लगाते हैं वर्ब में, ठीक है। तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस। तो अट्रैक्ट का क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका गलत है, यही आपको सही करना होगा। तो यहाँ पे सही क्या करेंगे? द कांस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। क्यों यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब होता है वो उसमें एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है, अट्रैक्ट को अट्रैक्ट करना होगा। चलिए और आगे देखते हैं, ये भी सीएचएसएल के क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं सीएचएसएल का क्वेश्चन में। देखिए
डिफरेंट कलर्ड नेचुरल फ्लावर्स नॉट ओनली पुट अ स्माइल, ये बट ऑल्सो और नॉट ऑल्सो का क्वेश्चन है। ये भी हम लोग बाबा ज्ञान की क्लास में कर चुके हैं, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए बाबा ज्ञान के हर लेसन को देखना। तो आप लोग प्लीज़ जो नहीं देखे हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी इस लेसन को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले हमारा जो बाबा ज्ञान है प्ले लिस्ट में एकदम अवेलेबल है, हर एक लेसन को आप अच्छे से देख लें, समझ लें, ठीक है। पहले के जो कुछ लेसन होंगे उनमें थोड़ा क्लियरिटी नहीं होगा, क्योंकि हम पहले मतलब ये लाइट का अच्छा व्यवस्था नहीं था, लेकिन उसके बाद जो है फिर हम बोर्ड पे जब बताने लगे लाइट सही से हो गया था, तो पहले के वीडियोस पे थोड़ा सा ब्राइटनेस कम होगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा बस सीखने के पर्पज़ से वहाँ पर आप देखिए लेसन को और समझिए उनसे, ठीक है। और अभी हम लोग तो यहाँ पर सीख ही रहे हैं साथ साथ में, तो देखिए बट ऑल्सो और नॉट ओनली का हम लोग वहाँ पे प्रयोग किए थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए नॉट ओनली का यूज हुआ है और यहाँ पे एंड ऑल्सो है, जबकि हम लोग क्या सीखे हैं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है, ये दोनों ऐसे रहते हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, जबकि यहाँ पे एंड ऑल्सो। तो हम तुरंत यहाँ पर जो है हम अपना आंसर जो है सी टिक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नॉट ओनली के बाद जो है हमेशा बट ऑल्सो का यूज होता है, जबकि यहाँ पे एंड ऑल्सो का यूज किया गया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इरर हो जाएगा, हमें एंड ऑल्सो को क्या करना होगा, बट ऑल्सो करना होगा, बाकी आपका सेंटेंस बाकी सही है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्ड नेचुरल फूड्स नॉट ओनली पुट अ स्माइल ऑन चिल्ड्रंस फेसेस बट ऑल्सो बेनिफिट देयर ओवरऑल ग्रोथ, तो एंड ऑल्सो को क्या करना होगा, बट ऑल्सो करना होगा, क्योंकि उसके पहले नॉट ओनली यूज हुआ, तो नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है बाबा ज्ञान, इसलिए अब जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे समझेंगे, तो अब आप देख लेंगे कि यहाँ पे नॉट ओनली है और इसके बाद एंड ऑल्सो है, जबकि हम लोग क्या सीखे हैं बाबा ज्ञान में कि नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो का यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे एंड ऑल्सो दिया गया है, तो इसलिए आप तुरंत अपने ऑप्शन में जाएंगे और सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, मतलब हर एक लेसन को अच्छे से पढ़ें, उन्हें समझें, ध्यान दें, कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जो है वीडियोस को लाइक कर दें जरूर, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो और मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम और देखते हैं इस लेसन में आगे क्या है, ये भी देखिए आपका SHSL का क्वेश्चन है 3/7/2019 सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट का। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर ऑफ इट मोर फॉर इट, ठीक है। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ वायर्स टू पे मोर फॉर इट। देखिए सबसे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर नहीं भी जुड़े हुए हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आप सबसे पहले आप अपने ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे सेंटेंस को पढ़ते ही, क्यों, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं सेंटेंस को और अगर आपका ध्यान सही से चल रहा है, तो देखिए प्रीपोजिशन यहाँ पर इरर है, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन या अपॉन का यूज होता है, डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन का यूज होता है हमेशा, क्या यूज होता है प्रीपोजिशन, डिपेंड के साथ ऑन या फिर अपॉन, जबकि क्या यूज हुआ है यहाँ पे डिपेंड के साथ टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शन ए के साथ तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंड के साथ टू लगा हुआ है, जबकि हम क्या सीखे हैं कि डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन अपॉन या फिर ऑन यूज करना होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे गलत हो गया। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ वायर्स टू पे मूव फॉर इट। चलिए आगे देखते हैं। सी हैज बीन राइटिंग दिस नॉवल फॉर अ ईयर बट सी डिड नॉट फिनिश इट एट। देखिए पहला पार्ट जो है हमारा एकदम सही है, क्योंकि फॉर अ ईयर है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे बताया जा रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही हमारा सेंटेंस होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये जो हमारा पहला पार्ट है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट हमारा एकदम सही है स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर अ ईयर। बट सी डिड नॉट फिनिश इट एट, देखिए यहाँ पे हैज बीन है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर डिड नॉट लगा दिया, यानी कि ये पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस दे दिया, तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि पहला पार्ट जो आपका प्रेजेंट में है तो दूसरा पार्ट भी आपका प्रेजेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका पार्ट है, तो दूसरा पार्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपके ऑप्शंस हैं वहाँ पे कौन सा आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए अपने ऑप्शंस को, पहला ऑप्शन हैज नॉट फिनिश्ड इट, हम क्या अभी हम लोग सीखे हैं कि उसे क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हैज या हैव हमें यूज करना है,
तो यहाँ पे हैज लगा हुआ है, ये एलिमिनेट हो गया। हमें लगाना है भी थ्री, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस भी थ्री, यहाँ पर भी वन है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, हैज है प्लस भी थ्री। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सुटेबल हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। सी हैज़ नॉट राइटिंग दिस लेवल फॉर नोवेल फॉर अ ईयर बट सी हैज़ नॉट फिनिश्ड इट एट, ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ नॉट फिनिश्ड इट यहाँ पे हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। दे डिसवेटेड मी ऑफ विजिटिंग द वार मेमोरियल बट आई रियली वॉन्टेड टू सी इट, डिसवेटेड मी, देखिए डिसवेट मतलब होता है मनाना या फिर राजी करना, मनाना या फिर राजी करना किसी को कहीं जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसके साथ टू का यूज होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, ठीक है। तो देखिए आपके ऑप्शंस में जो क्या क्या है, ऑफ लगा हुआ है, ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, फ्रॉम लगा हुआ है, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें याद है कि डिसवेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, तो हम कुछ नहीं किए, पूरे सेंटेंस को हमें पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ा, हम तुरंत देखें और हमें जो हमारा अंडरलाइंड पार्ट है उसे वहाँ पर हम देखें कि डिसवेट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। जबकि हमें क्या याद है, क्या सीखे हैं हम लोग, कि डिसवेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, इसलिए हम अपने डायरेक्ट ऑप्शन डी पे आ गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा टाइम भी बचेगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप प्रीपोजिशन के लेसन को पूरा देख लें, जितने भी लेसन वहाँ पे अवेलेबल हैं प्ले लिस्ट में सारे को देख लें, वहाँ पर सारा बता दिया गया है। हम लोग ऐसे भी और सीख रहे हैं प्रीपोजिशन को, ठीक है, तो आप लोग जो है हमेशा हमारे साथ बने रहें और सीखते रहें। चलिए और आगे देखते हैं क्या है। द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स, द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स हैज अग्रीड टू सेल देयर बिजनेसेस टू बिजनेस टू पाल हॉस्पिटल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे कौन सा है, द प्रमोटर्स, ठीक है, द प्रमोटर्स यहाँ पे आपके लिए आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट जब आपका यहाँ पर प्रमोटर्स है, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो जब प्लूरल फॉर्म में है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो वर्ब है ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। जब प्लूरल फॉर्म होगा तो आपका वर्ब भी अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है, वर्ब भी आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। तो हैज को क्या करना होगा, हैव करना होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है, ऑप्शन डी हमारा गलत है, मेड हॉस्पिटल्स हैव अग्रीड। क्यों यहाँ पे हम लोग हैव यूज किए हैं, क्योंकि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए जो प्लूरल हमारा जो सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हम अपने वर्ब को लगाएंगे और उसे भी प्लूरल में करेंगे, तो हैज को रिमूव करेंगे किससे, हैव से, ठीक है, हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। यहाँ पे हैज कब रहता, यहाँ पे हैज अगर सही होता कब, जब यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर होता, ठीक है। तो प्रमोटर अगर सिर्फ होता तो वो आपका सिंगुलर फॉर्म में होता, तो सिंगुलर फॉर्म में होता तो हैज आपका सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रमोटर्स हो गया, यानी कि अपने प्लूरल फॉर्म में ही आ गया, तो यहाँ पे वर्ब भी आपको प्लूरल करना होगा, यानी कि हैव लगाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी जो है आपका जो है सीजीएल का ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गए हैं कि ये कब का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम लोग कल सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आज का, हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं 50 क्वेश्चंस तक। तो आई होप कि आपके लिए ये यूजफुल साबित हो और होगा ही, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप देख रहे हैं कि हर एग्जाम में जो है एक ही दो पैटर्न पर जो है क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इवनिंग शिफ्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया आपका उसी पैटर्न पर, फिर आपका आफ्टरनून शिफ्ट में, फिर उसी पैटर्न पर आपका इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। तो एक शिफ्ट में जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे ही फिर और आगे वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। इनसे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी जो है हम अपने पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने ग्रुप में जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, हमारे साथ जुड़ें और जानें। मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू।